हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल 24 कैरेट किचन। तो आज हम बनाएंगे कैरेमल सिरप। तो आइए देख लेते हैं हमें कैरेमल सिरप बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। हाफ कप चाहिए होगी हमें ग्रेनुलेटेड शुगर, 1/4 कप चाहिए होगा हमें फ्रेश क्रीम यानी अमूल का फ्रेश क्रीम, 1 टेबल स्पून लिया है मैंने बटर, मैंने अनसोल्टेड बटर लिया है, और थोड़ा सा चाहिए होगा हमें बटर स्कॉच एसेंस, 1/4 कप लेना है हमें हॉट वाटर। तो गैस पर मैंने पैन चढ़ा दिया है और इसमें डाल देती हूँ मैं शुगर। शुगर जब हमारी मेल्ट हो जाएगी तब इंस्टेंट हम सारे इंग्रेडिएंट है वो डाल देंगे। तो अभी मैं इसको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करते हुए मैंने चीनी को चढ़ा दिया है। इसको हमें लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। हमारी शुगर है वो थोड़ी थोड़ी मेल्ट होने लग गई है। अब मैं इसको थोड़ा सा हिला देती हूँ। यहाँ हमें शुगर का कलर है वो लाइट गोल्डन ब्राउन ही करना है, डार्क नहीं करना है, नहीं तो सिरप है वो कड़वा हो जाएगा। यहाँ मैं थोड़ी सी चीनी स्टिर कर रही हूँ। आप देख पा रहे हैं चीनी हमारी लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई है। 1 मिनट के लिए मैं गैस की फ्लेम बंद कर देती हूँ और इसमें डाल देती हूँ फ्रेश क्रीम। इतना ही हॉट वाटर, अभी गैस की फ्लेम मैंने ऑन नहीं की है। मैंने गैस की फ्लेम को वापस ऑन कर दिया है। इसी में मैं हाफ टीएसपी व बटर स्कॉच एसेंस है वो ऐड कर देती हूँ। ये हमारी 1-2 महीने तक ही फ्रिज में खराब नहीं होती है। और आप इसका मल्टीपल यूज है वो कर सकते हैं। ये हमारी बटर स्कॉच सॉस है वो बिल्कुल रेडी है। तो ये देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी है, ठंडी होने के बाद ये और थिक हो जाएगी। और यदि हमें कोई रेसिपी में थिन चाहिए तो आप इसमें और पानी ऐड कर सकते हैं।
और ठंडा होने पे मैं आपको दिखाती हूँ। गैस की फ्लेम मैं ऑफ कर रही हूँ। बहुत ही अमेजिंग ये सॉस तैयार होती है। हमारी कैरेमल सॉस ठंडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो मैं इसको बाउल में निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।